वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ शरद वी मोरे इंग्लिश हाई स्कूल. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एवीएस 1 लेसन नंबर 17 माय अपब्रिंगिंग. ओके, नाउ कैन यू टेल व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर्स. अब देखो, क्या आप बता सकते हो कि आप ये पिक्चर्स में क्या देख रहे हो. व्हाट आर द किड्स इन द पिक्चर लर्निंग फ्रॉम द ग्रोन अप्स. नाउ सी व्हाट इज मीन बाय अपब्रिंगिंग. अपब्रिंगिंग किसको बोलते हैं, जो हम बचपन से जो हम हमारे पेरेंट्स को देखते हैं, जैसे वो लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं, वैसी जो हम लोग उनसे सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, अपब्रिंगिंग. ओके, सो व्हाट आर द किड्स इन द पिक्चर लर्निंग फ्रॉम द ग्रोन अप्स. अब देखो, ये जो पिक्चर्स है उसमें जो किड्स है, जो बच्चे हैं, वो अपने ग्रोन अप से, मीन्स अपने बड़ों से क्या सीख रहे हैं. आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है. ओके, नाउ सी वी लर्न मैनी डिफरेंट थिंग्स वाइल वी आर ग्रोइंग अप. अब देखो, जब हम बढ़ते रहते हैं, जब हम बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं. ओके, वाइल वी आर ग्रोइंग अप मीन्स हम बढ़ते बढ़ते बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. दे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्टन हैबिट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. अब देखो, हम बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसी सर्टन हैबिट्स, कुछ ऐसी आदतें सीख लेते हैं जो मतलब जो लाइक भी होती है, मतलब कुछ अच्छी आदतें भी होती है और कुछ बुरी आदतें भी होती है. ओके, दे शेप अवर व्यू एंड थॉट्स. तो देखो, वही जो है वो हमें क्या, हमारे व्यू और थॉट्स को क्या करती है, शेप करती है. दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज अवर अपब्रिंगिंग. तो इसे क्या कहते हैं, अपब्रिंगिंग मीन्स जो हम ग्रोइंग अप, मीन्स जो हम बढ़ते बढ़ते जो सीखते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स मीन्स कुछ अच्छी हैबिट्स, कुछ बुरी हैबिट्स. ओके, सो उसे क्या करते हैं, वो मतलब जो व्यू और थॉट वो हम सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, अपब्रिंगिंग. ओके, नाउ यू मस्ट हैव सीन फोटोग्राफ्स ऑफ योर चाइल्डहुड. अब देखो, आप लोगों ने देखा होगा आपकी बचपन की, चाइल्डहुड की फोटोग्राफ्स. ओके, फोटोज. यू बिगेन टू क्रॉल, यू लर्न हाउ टू वॉक एंड हाउ टू टॉक. अब देखो, यू बिगेन टू क्रॉल मीन्स आप कैसे, आप चाइल्डहुड की पिक्चर्स आपकी देखे होंगे, आप बचपन में आप पहले क्या करे, क्रॉल करने लगे मीन्स रेंगने लगे. देन यू लर्न हाउ टू वॉक, फिर आप चलने लगे, आपने सीखा कि कैसे वॉक करते हैं. देन हाउ टू टॉक, कैसे बात करते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू लर्न मैनी मोर थिंग्स. और इसके अलावा भी आपने बहुत सारी चीज़ें सीखा है. हाउ टू ब्रश योर टीथ. देखो कैसे कि हाउ टू ब्रश योर टीथ मीन्स आप अपने टीथ मीन्स हमारे दांत को हम कैसे ब्रश करते हैं, राइट. हाउ टू बाथ, और कैसे नहाना चाहिए. हाउ टू बाथ. हाउ टू ईट विदाउट स्पिलिंग. अब देखो, हाउ टू ईट विदाउट स्पिलिंग मीन्स हम कैसे तमीज़ से, मतलब एकदम खाना खाए विदाउट स्पिलिंग, मतलब यहाँ वहाँ फैलाए बिना. ओके, हाउ टू बिहेव विद पीपल ओल्डर देन यू. और सबसे मेन क्या कि हाउ टू बिहेव मीन्स हमें हमारे बड़ों से कैसे बिहेव करना चाहिए. ओके, यू लर्न मैनी मोर थिंग्स बिसाइड दिस बेसिक वंस. अब देखो, ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपने लर्न किए हो, और इसके अलावा भी आपने बहुत सारी चीज़ें सीखे हो. ओके, हाउ टू फिल योर स्कूल बैग. अब देखो, कौन सी चीज़ें सीखे हो कि अपने आप बैग को कैसे फिल करना है, स्कूल बैग को टाइम टेबल वाइज, राइट. हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल को, साइकिल को कैसे चलाना है, राइड करना है. हाउ टू प्ले अ सेल फोन गेम. अब जो आपके मम्मा के पास में, आपके पेरेंट्स के पास में जो सेल फोन्स रहते हैं उसमें कैसे गेम खेलते हैं. वेन टू फीड द कैटल. अब देखो, जो कैटल, जो हमारे घर में जो थोड़े मतलब जो पालतू जानवर होते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स रहते हैं, जो कैटल रहते हैं, राइट, उसको कैसे फीड करना है. फीड करना है इन द सेंस कैसे खाना खिलाना है उन्हें. हाउ टू बाई ग्रोसरीज. अब हम जब कोई शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके कैसे कोई चीज़, कोई सामान, ग्रोसरीज को बाय करना है. हाउ टू बिहेव विद स्ट्रेंजर्स. और जो स्ट्रेंजर्स है, जो अनजान लोग हैं उनके साथ में कैसे बिहेव करना है. द लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन. अब देखो, ये जो सारी जो लिस्ट है वो क्या होगी, गो ऑन एंड ऑन मीन्स चलती रहेगी, राइट. हाउ डिड यू लर्न ऑल दिस थिंग्स. देखो, अब ये जो सारी चीज़ें हैं कि आपको स्ट्रेंजर से कैसे बात करना है, कोई ग्रोसरी शॉप में आप गए तो कैसे परचेस करना है, राइट, कोई कैटल को, कोई डोमेस्टिक एनिमल्स को कैसे खिलाना है. ओके, ये सब चीज़ें आपको, हाउ डिड यू लर्न ऑल दिस थिंग मतलब ये जो जितनी ये सारी चीज़ें हैं आपने कहाँ से सीखा है, कहाँ से लर्न किया है. हु थॉट यू ऑल दिस थिंग. और ये सारी चीज़ें आपको किसने सिखाया है. Now you must have learned many of these things from your parents and relatives. अब देखो, ये सारी चीज़ें आपने, ये जितनी भी चीज़ें आपने किससे सीखी होगी, ज़्यादातर आपके पेरेंट्स से मीन्स आपके मॉम डैड से, राइट, एंड आपके रिलेटिव्स, रिलेटिव्स मीन्स रिश्तेदार से, राइट.
होल्डिंग अवर हैंड्स अवर पेरेंट्स टीच अस टू वॉक. अब देखो जो हमारे मॉम डैड होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारा हाथ पकड़ के, हमारा हाथ को, हमारे हैंड्स को होल्ड करके वो लोग क्या करते हैं, हमें चलना सिखाते, राइट. होल्डिंग अवर हैंड्स मीन्स हमारे हाथ पकड़ के अवर पेरेंट्स टीचर्स टू वॉक मीन्स हमें हाथ हमारा पकड़ के वो लोग क्या सिखाते हैं, हमें चलना सिखाते, राइट. दे टीचर्स हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू टॉक टू अदर्स. हमें हमारे पेरेंट्स ही सिखाते हैं कि हम कैसे बिहेव करें. दे टीचर्स हाउ टू बिहेव मतलब हम किसी से भी कैसे बर्ताव करें, राइट. एंड हाउ टू टॉक टू अदर्स और दूसरों से हम कैसे बात करें, ओके. वेन वी मेक मिस्टेक्स जब हम कोई गलती करते हैं, दे शो अस हाउ टू करेक्ट देम. तो वो क्या सिखाते हैं हमें कि मतलब वो हमें बताते हैं कि वो जो हम जो मिस्टेक करे हैं, जो गलती करे हैं, उसे कैसे करेक्ट करें, राइट. दे वॉन्ट अस टू बिकेम गुड पीपल. क्यों सिखाते हैं वो, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जो है वो क्या बने, गुड पीपल बने, अच्छे इंसान बने, राइट. नाउ डू यू नो क्या आपको पता है, हाउ डज अ लायन कब लर्न हाउ टू हंट. अब देखो जो लायन का कब होता है, जो लायन का बच्चा होता है, वो कैसे उसको, वो कैसे सीखता है हंट करना, शिकार करना, वो कैसे सीखता है, ओके. अ लायन कब इज नॉट एबल टू हंट एज सून एज इट इज बॉर्न. अब देखो जो लायन कब होता है, जो लायन का बेबी होता है, वो जैसे ही बॉर्न होता है, जैसे ही पैदा होता है, तो वो क्या उसे तभी के तभी इंस्टेंटली शिकार करना आ जाता है क्या. अ लायन हब इज नॉट एबल मीन्स वो जो बच्चा होता है उसे तभी के तभी एज सून एज इट बॉर्न मीन्स जैसे ही वो पैदा होता है उसे शिकार करने नहीं आता है. इट इज़ थॉट हाउ टू हंट बाय इट्स मदर. तो वो कौन सिखाता है हाउ टू हंट मीन्स शिकार करना, उसे कौन सिखाता है, उसकी ममा सिखाती है, उसकी मदर सिखाती है. एंड अदर लायंसेस इन द प्राइड और जितने भी वो प्राइड में वो जगह पे जितने भी लायंस होते हैं वो भी सारे क्या करते हैं, उसे सिखाते हैं, वो कब को सिखाते हैं, ओके, वो बच्चे को सिखाते हैं. दिस कब आर क्वाइट हेल्पलेस फॉर अबाउट द फर्स्ट टू वीक. अब देखो वो जो लायन के कब होते हैं, जो लायन के बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, क्वाइट हेल्पलेस रहते हैं फर्स्ट टू वीक मीन्स पहले दो हफ्ते में वो लोग एकदम हेल्पलेस रहते हैं, ओके, जब वो बॉर्न होते हैं. दे डू नॉट इवन ओपन देयर आइज और वो मतलब इतने हेल्पलेस होते हैं कि वो लोग आंखें भी नहीं खोलते, ओके. देयर फॉर देयर मदर कीप्स देम हिडन अवे फ्रॉम अदर्स. इसलिए जो उनकी मदर होती है, जो ममा होती है, वो क्या करती है, बाकी सारों से उन्हें एकदम छुपा कर रखती है. वेन द कब्स आर अबाउट 8 weeks ऑफ एज they are introduced to the other members of the pride. Now see, when the cubs are about 8 weeks of age, जब वो जो cub होता है, जो lion का बच्चा होता है, जब वो 8 हफ्तों का हो जाता है, तब उसे introduce कराया जाता है, तब उसे सबके सामने members of the pride means वो pride में जितने भी members होते हैं उनके पास में उसे introduce कराया जाता है, ओके. All the lionesses take care of the cubs. अब देखो जो वो प्राइड में, वो जो एरिया में जितने भी लायंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो बच्चा होता है, वो जो कब होता है, उसका ख्याल रखते हैं. A cub is pampered by all of them until it is 3 months old. अब देखो वो जो जितने भी प्राइड रहते हैं, वो सारे उसको जब कब तक पैम्पर्ड करते हैं, तब तक जब तक कि वो 3 months old नहीं हो जाता, जब तक कि वो 3 महीने का नहीं हो जाता, ओके. Then it begins to learn how to hunt. और उसके बाद में वो क्या सीखता है कि कैसे hunt करते हैं, okay? It takes 2 to 3 years for a cub to become adept to hunting. अब देखो उसको है ना 2 to 3 years उसको 2 से 3 महीने लगते हैं सीखने के लिए कि वो कैसे hunting करे, okay? Our loved ones too try hard to see that we develop good habits. अब देखो जो हमारे loved ones होते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, right? हमारे relatives, हमें हमारे parents रहते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि हम में भी क्या हो, जब हम बढ़ रहे हो, जब हम born होके जब बढ़ रहे हो, तो हम में क्या आए, good habits आए, अच्छी आदतें आए. Our close relatives like our grandparents, uncle and aunts also have great affection for us. अब देखो जो हमारे क्लोज रिलेटिव रहते हैं, जो ज़्यादा नज़दीक के करीबी रिश्तेदार रहते हैं, जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, राइट, हमारे दादी दादा, नानी नाना, अंकल्स एंड आंट्स, जो हमारी खालाएँ होती है, राइट, खाला खालू, चाचा चाची, ये सब भी क्या सिखाते, मतलब वो लोग भी हमें एकदम ग्रेट अफेक्शन से रखते, बहुत प्यार से रखते. वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देम टू और उन लोगों से भी, हमारे क्लोज रिलेटिव से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ओके. People who are close to us teach us how to carry out our own task ourselves. अब देखो जो people who are close to us, जो लोग हमारे करीबी होते हैं, वो हमें सिखाते हैं how to carry out our own task ourselves. मतलब
वो हमें क्या सिखाते हैं कि खुद का काम कैसे खुद ही करना चाहिए. ओके, दे अप्रिशिएट इट व्हेन वी कैन डू ऑल दिस थिंग्स प्रॉपरली. और वो हमें कब अप्रिशिएट करते हैं, कब हमारी तारीफ करते हैं, जब हम हमारा खुद का काम एकदम सही से कर लेते हैं तब. ओके, दे कमेंट अस सेइंग दैट वी हैव ग्रोन अप. अब देखो, जब हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं राइट, तो वो क्या हमें कमेंट करते हैं कि हाँ देखो वी हैव ग्रोन अप. मीन्स वो लोग बोलते हैं ना, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारे दादी दादा नानी नाना क्या कहते हैं कि हाँ तुम बड़े हो गए हो राइट, अब तुम बड़े हो गए हो. ओके, डू यू नो नाउ, क्या आपको पता है, हैव यू हर्ड द नेम नाउ सी, डू यू नो, क्या आपको पता है, हैव यू लर्न द नेम हली रघुनाथ बर्फ और समीप अनिल पंडित. अब देखो, क्या आपने आप लोगों ने ये नाम सुना है क्या, हाली रघुनाथ बर्फ और समीप अलील पंडित. हाली इज़ अ गर्ल फ्रॉम शाहपुर तालुका इन थाना डिस्ट्रिक्ट. देखो, जो ये हाली है वो एक लड़की है जो कहाँ रहती है, शाहपुर तालुका में, थाना डिस्ट्रिक्ट में. ओके, हाली रेस्क्यूड हर ओल्डर सिस्टर फ्रॉम अ लेपर्ड. अब देखो, वो जो हाली है उसने क्या करी, उसने अपनी ओल्डर सिस्टर को मीन्स अपनी छोटी बहन को क्या करी, लेपर्ड से बचाई. ओके, समी रेस्क्यूड बफेलोस टाइड इन अ काउ शेड फ्रॉम अ फायर. और जो समी है उसने क्या करा, वो जो काउ शेड में, जो तबेले में जो आग लग गई थी, उसमें से उसने वो काउस को, बफेलोस को बचा लिया. फॉर दिस ब्रेव एक्ट्स द टू वेयर फ्लिक्टेड विद द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2013. अब देखो, इसकी वजह से वो लोग को क्या मिला, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड. मतलब ये वो लोग ने क्या करे, एक जो था समीप ने क्या करा, जो काउ शेड था, जो तबेला था, वहाँ से जब आग लग गई तो उसने सारी बफेलोज को निकाल लिया राइट. और वो जो हाली थी उसने क्या करी, अपनी छोटी बहन को लेपर्ड से बचाई. तो इसके लिए उन्हें क्या मिला, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला. किसने दिया उनको अवार्ड, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कभी दिए, 2013 में. ओके, Now can you tell, क्या आप बता सकते हो, What did you learn from your parents and relatives? आप आपकी parents से, आपके mom dad से और आपके relatives से, यानी आपके रिश्तेदार से क्या सीखते हो? Make a list. तो उसका क्या करना है, आपको list बनाना है. How did you learn these things? अब आप वो लोग से कैसे सीखते हो, क्या क्या सीखते हो, Think about it. आपको सोच कर list बनाना है. Okay? Now see, do you know, Baba Amte spent his entire life in social service. देखो, क्या आपको पता है, ये जो बाबा आमटे है, ये जो पिक्चर में दिए हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सोशल सर्विस में निकाल दी. His lifelong goal was to serve people suffering from leprosy and also other handicapped people and to help them stand on their own feet. अब देखो, उनका पूरा लाइफ लॉन्ग मीन्स जिंदगी भर का क्या मिशन था, कि वो जो ऐसे जो मतलब वो लोग जो मतलब कुछ नहीं कर सकते, जो एबनॉर्मल हैंडीकैप पीपल्स होते, उनकी हेल्प करना और उनको अपने पैरों पे खड़ा करवाना. ओके, इन दिस मिशन ही वाज हेल्प्ड इमेंसली बाय हिज वाइफ सधाना ताई. अब देखो, उनकी जो वाइफ है साधना ताई उन्होंने उनकी बहुत अच्छे से मतलब उसमें हेल्प करी. ओके, His work is being carried on by his sons and his daughter-in-law. देखो, उनका जो काम था वो है ना, उनके sons मतलब उनके बेटे तो बेटे और उनकी daughter-in-law means उनकी पोती ने भी वो काम करी. Okay, social servicing. Now even the third generation of the Amte family is carrying on this mission. अब उनकी Amte family की third generation जो है वो भी अभी वही mission पे मतलब वही mission जारी रखी है. कौन सा mission? Social servicing का. This example of social service carried on relentlessly by three generation of a family is really inspiring. अभी देखो, ये जो mission चल रहा है third generation की, मतलब third generation भी उनकी यही social service जो कर रही है, तो ये बहुत क्या है, एकदम inspiring है. Okay?
एवरीथिंग दैट वी लर्न्ड इज नॉट थॉट टू अस बाय समबडी. अब देखो हर चीज़ जो हम सीखते हैं वो थॉट टू अस बाय समबडी, मतलब किसी से हमें थॉट नहीं मिलता. वी पिक अप मैनी थिंग्स थ्रू ऑब्जर्वेशन. अब देखो हर एक पर्टिकुलर चीज़ मुझे हमें कोई ना कोई इंसान नहीं सिखाता. कभी कभार हम किसी को ऑब्जर्व करके एक्सपोजर करके भी कोई कुछ चीज़ें सीख लेते हैं. हाउ डू आवर फ्रेंड्स स्पीक. अब देखो जैसे कि अगर हम हमारे फ्रेंड्स को नोटिस करते कि वो कैसी बात करते, वॉट क्लोथ्स टू दे वेयर, और वो लोग क्या कैसे टाइप के कपड़े पहनते, वॉट गेम्स टू दे प्ले, कौन से गेम वो लोग खेलते हैं, हाउ डू दे स्टडी, वो लोग कैसे पढ़ते हैं. वी पिक अप मैनी ऑफ दिस थिंग्स अनकॉन्शियसली. हम ऐसी सारी चीज़ें बहुत सारी अनकॉन्शियसली ये सारी चीज़ें उनसे सीख लेते हैं. मैनी टाइम वी ऑल्सो बींग टू बिहेव लाइक अवर फ्रेंड्स. और बहुत टाइम तो ऐसा हो जाता है कि हम हमारे दोस्त जैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कोई बेस्टी है राइट, तो हम क्या करते हैं उसके जैसा ही एकदम बिहेव करने लग जाते हैं राइट. दिस पेरेंट्स हैव दिस पेरेंट्स हैव कम फॉर अ पेरेंट टीचर मीटिंग एट स्कूल, सी वॉट दे से टू ईच अदर. अब देखो ये जो पेरेंट है वो आए हैं किधर, पेरेंट टीचर मीटिंग, जो मतलब स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना उसमें वो पेरेंट आए हैं. और देखो आप के वो लोग आपस में एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं. ओके अर्लियर रेनुका नेवर एट हर वेजिटेबल्स. Now that she has started going to school, she eats every day without a fuss. अब देखो ये जो पेरेंट है ये जो है वो क्या बोल रहे हैं कि अर्लियर रेनुका मीन्स पहले जो थी रेनुका वो कभी भी क्या करती थी, अपने जो वेजिटेबल्स होते हैं जो भाजियाँ होती है वो नहीं खाती थी. Now that she has started going to school, लेकिन जब से वो स्कूल जाने लगी है तो वो बिना कोई कंप्लेंट करे वो वेजिटेबल्स खा लेती है. Now see what she is saying. ये कौन ये क्या बोल रहे हैं. Ever since Zoya, Shilpa and Gail have become friends. They ride their bicycle together every evening. अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जब से जोया शिल्पा और गेल दोस्त बने हैं तो वो लोग क्या करते हैं रोज़ इवनिंग में मीन्स रोज़ शाम में क्या करते हैं साथ में बाईसाइकिल चलाते हैं. आई एम हैप्पी दैट दे ऑल गेट इनफ एक्सरसाइज. तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं खुश हूँ कि वो लोग को रोज़ क्या होता है एक इनफ एक्सरसाइज मिल जाती है. एवर सीन्स प्रथमेश हैज़ बिकम फ्रेंड विद सलमान एंड बोमान, ही हैज़ स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन मैथ्स. अब देखो वो क्या बोल रहे हैं कि जब से प्रथमेश का दोस्त कौन बना है, सलमान और बोमान, तो जब से उसका इंटरेस्ट जो है मैथ्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गया. बट ऑब्वियस आप देखो आप जब अच्छे फ्रेंड्स बनाओगे तो आप उनकी आदतें ही सीखोगे राइट. नाउ कैन यू टेल. क्या आप बता सकते हो. व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर फ्रेंड्स. आप आपके दोस्त में क्या पसंद करते हो. व्हाट डू यू नॉट लाइक, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप उसमें पसंद नहीं करते हो. व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड्स. आप आपके दोस्त से क्या सीखना पसंद करोगे. वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल अराउंड अस जस्ट एज वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवर फ्रेंड्स. अब देखो हम जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किसी से भी, किससे, जो पीपल अराउंड अस मीन्स जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं ओके, और जो हमारे दोस्त होते हैं उनसे हम क्या होते हैं इन्फ्लुएंस्ड होकर उनकी आदतें सीखते हैं. वी मीट अवर नेबर्स एवरी डे फॉर सम पर्सन और अदर फॉर सम रीज़न और अदर. अब देखो हम जो है हमारे नेबर्स से मीन्स जो हमारे बाजू में रहते हैं उनसे हम रोज़ मिलते हैं राइट, या तो कोई रीज़न से या फिर कुछ अदर्स मतलब कोई ना कोई चीज़ से हम मिल ही जाते हैं राइट. वी ऑब्जर्व देयर वे ऑफ बिहेविंग, और हम उनका क्या ऑब्जर्व करते हैं उनका वे ऑफ बिहेविंग मीन्स वो कैसे बिहेव कर रहे हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं ओके.
स्पीच एंड ईटिंग हैबिट्स फ्रॉम अप क्लोज, और उनकी स्पीच मीन्स उनके बोलने का तरीका, उनके खाने का तरीका, ये सब हम नोटिस करते हैं. दिस टू हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन अवर अपब्रिंगिंग. तो ये जो सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं वो भी हमारे अपब्रिंगिंग में इन्फ्लुएंस होता है, मीन्स उससे भी हम लोग सीखते हैं बढ़ते बढ़ते. ओके, इफ पीपल फ्रॉम अदर प्लेस हैपन टू बी अवर नेबर, वी नेचुरली गेट टू नो अबाउट देयर फूड एंड फेस्टिवल विच मे बी डिफरेंट फॉर आवर्स. अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल हम इफ़ पीपल फ्रॉम अदर प्लेस, मतलब अगर समझो हम मुस्लिम हैं, ओके, अगर और हमारे बाजू में हिंदू रिलीजन के नेबर रह रहे, ओके, और वी नेचुरली गेट टू नो अबाउट देयर फूड, तो हमें उनके खाने का तरीका हमें अपने आप पता चल जाएगा कि बाजू में वो क्या बना रहे हैं, ओके, क्या खाते हैं वो लोग नॉर्मली, और कौन से फेस्टिवल्स वो लोग सेलिब्रेट करते हैं. विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम अस, मीन्स देखो हम अगर हम मुस्लिम्स हैं, ओके, हमारी क्या फेस्टिवल होती है ईद. अब हमारे नेबर में अगर हिंदू रहते हैं तो हमें बट अभी उनका फेस्टिवल पता चल जाएगा जो हमारे से डिफरेंट है, लेकिन हमें उनका फेस्टिवल भी पता चल जाएगा, ओके, और वो लोग क्या खाते हैं वो भी हमें समझ में आ जाएगा. दिस इज़ हाउ वी बिकम फैमिलियर विद डाइवर्सिटी. तो इसके वजह से, मतलब ऐसे ही हम क्या करते हैं, हमारी डाइवर्सिटी से फैमिलियर हो जाते हैं. मैनी ऑफ अवर नेबर नो अस फ्रॉम अवर चाइल्डहुड. अब देखो, बहुत सारे जो हमारे नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो हमें बचपन से देखे हुए रहते हैं, मीन्स चाइल्डहुड से, मीन्स जब से हम पैदा हुए तब से वो लोग हमारे नेबर्स रहते, राइट. दे डू फील अफेक्शनेट टूवर्ड्स अस. तो उसकी वजह से वो लोग भी क्या हो जाते हैं, हमसे एकदम अफेक्शनेट हो जाते हैं. वी लर्न सम गुड हैबिट्स फ्रॉम अवर नेबर्स टू. अब देखो, हम लोग को कुछ गुड हैबिट, कुछ अच्छी आदतें हमारे नेबर से भी मिलती है. अवर नेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस अवर अपब्रिंगिंग. अब जो तो हमारे नेबर होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें अपब्रिंगिंग करते हैं, ओके. नाउ सी प्रताप, दिस इज़ माई नेबर, ही लाइक्स टू गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग. अब देखो, ये प्रताप है, वो क्या है, उनके नेबर है जो रोज़ सुबह में, मतलब वॉक के लिए जाते हैं एवरी मॉर्निंग, ओके. आई कॉल हिम अजूबा. अब देखो, वो क्या बुलाता है उनको, अजूबा. समटाइम्स आई गो टू द हिल विथ हिम. तो कभी कभार मैं क्या करता हूँ, मैं भी उनके साथ में हिल पे सुबह में वॉक करने के लिए जाता हूँ. Now see over here, Hina. This is my neighbor. अब देखो, वो हिना क्या बोल रही है कि ये कौन है, ये मेरे नेबर है. She is very old. और ये क्या है, बहुत बूढ़े है, बहुत ओल्ड है. Even then she sweeps her front yard. इतने बूढ़े होने के बाद में भी वो अपने फ्रंट यार्ड, मीन सामने का जो आंगन होता है, जो सामने जो जगह होती है उसे वो स्वीप करते हैं, मतलब झाड़ू मारते हैं वहाँ पे. एवरी डे विदाउट फेल, मीन्स बिना भूले, विदाउट फेल वो रोज़ वहाँ पे झाड़ू मारते हैं. शी डज हर ओन वर्क हर सेल्फ, और वो अपना काम खुद का खुद ही कर लेते हैं. बिकॉज ऑफ हर आई रियलाइज दैट वी ऑल मस्ट बी सेल्फ रिलियंट. और उनकी वजह से मैंने ये सीखा है कि हमें भी खुद से खुद की, मतलब हमें सेल्फ रिलियंट रहना चाहिए, खुद ही का काम खुद ही से करना चाहिए, ओके, जिम्मेदार होना चाहिए. नर्सी सुप्रिया, दीदी लिविंग नेक्स्ट टू अस लव्स टू रीड. अब देखो, उसकी जो पड़ोसी है वो वहाँ पे जो दीदी है उन्हें मतलब रीड करना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. शी ऑफन गिव मी नाइस स्टोरी बुक्स टू रीड. और कभी कभार वो हमें स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए दे देते हैं. लाइक प्रताप, हिना एंड सुप्रिया, हैव यू लर्नड एनीथिंग फ्रॉम योर नेबर्स. अब देखो, जैसे कि प्रताप, हिना और सुप्रिया ने अपने नेबर से जो चीज़ सीखा है, क्या आपने भी आपके आस पड़ोसियों से कुछ सीखा है? राइट अबाउट इट इन योर नोटबुक. तो वो आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में लिख कर लेना है. नाउ व्हाट वी हैव लर्न, इसमें हमने क्या पढ़ा. द मैनी थिंग्स वी लर्न एज वी ग्रोन अप टुगेदर मेक अवर अपब्रिंगिंग. अब देखो, जो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग बढ़ते बढ़ते सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपब्रिंगिंग, ओके. अवर पेरेंट एंड क्लोज रिलेटिव्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अवर अपब्रिंगिंग. अब देखो, जो हमारे पेरेंट होते हैं, जो हमारे मॉम डैड होते हैं, और जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स रहते हैं, एकदम खास रिश्तेदार होते हैं, उन वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे अपब्रिंगिंग का, ओके. वी ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम अवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स. और हम बहुत सारी चीज़ें हमारे
दोस्तों से और हमारे पड़ोसियों से भी सीखते हैं। वी लर्न फ्रॉम द कॉन्शियस एफर्ट टेकन टू मेक अस गुड पीपल। और हम क्या करते हैं, उनका कॉन्शियस एफर्ट मीन्स हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए वो लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं। वी ऑल्सो लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपोजर। और हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके, एक्सपोजर करके भी सीखते हैं। ओके okay?